पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यानी हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को दोनों को अलग अलग करके बैलेंस करेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग ये जितने भी हमारे केमिकल्स रिप्रेजेंट किए रहेंगे हम लोग, वो सबको आयोनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अपन। क्लियर है, ठीक है। अब देखो रिकॉर्ड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम भगड़ा टाइप का बैटर हो गए, अगर डाउट आए तो पूछ पूछ लेना, ठीक है, कोई सीन नहीं है उसमें। चलो देखो इधर बुला रही क्या वो है, वो गुस्से में आ गया था भाई, वो बेंच उठाने के लिए तैयार था वो। किसके पास जाएगा रे तू? क्या रिसा बेलन वेलन चल रहा है घर में, देख नाम भी आ गया रिसब करके, अब तो और आ गया, इन डाउट कर दिया। अबे मत करना, इधर ध्यान दे। चल हाँ, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, नाइट्रोजन का यहाँ पर प्लस फाइव, ऑक्सीजन का माइनस टू, आयोडीन का यहाँ पर कितना होगा, जीरो, हाइड्रोजन का, आयोडीन का, ऑक्सीजन का, यहाँ पर नाइट्रोजन का प्लस फोर, एक का माइनस टू होता दो का माइनस चार ना, और पानी का प्लस वन यहाँ पर, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का माइनस टू, ठीक है। चलो अब अपने को सबसे पहला स्टेप में ये अपन कर लिए, ठीक है। अब इसी में अपने को आइडेंटिफाई करना है कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें रिडक्शन हो रहा है, तो सिर्फ चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे बाकी सब। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, प्लस वन, यहाँ पर भी प्लस वन है, यहाँ पर भी प्लस वन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन को इंडिकेट ही मत करो साले को, हटा दो बाहर, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस फाइव है, यहाँ प्लस फोर, मतलब चेंज तो हुआ है बाबा, तो ये क्या हुआ, प्लस फाइव से प्लस, कम हुआ ज़्यादा हुआ है, यानी कि रिडक्शन हो गया ये वाला। एक ऑक्सीजन को देखो, पहले माइनस टू था, यहाँ पर भी माइनस टू है, यहाँ पर भी माइनस टू है, यहाँ पर माइनस टू, तो कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं, तो इसको भी हटा दो। अब आयोडीन को देखो, ये जीरो है, बाद में कितना हो गया प्लस, चेंज हुआ है, बड़ा कम हुआ, यानी कि समझ में आ गया। अब यहीं से अपना बंटवारा चालू होगा, ऑक्सीडेशन हाफ अलग, यानी कि इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन किसमें होता बोला था मैं तुमको, एनोड, तो एट एनोड, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हो या रिएक्शन बोल सकते हो, जो तुम चाहो बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन ही लिखा है बस, तो ऑक्सीडेशन निकाल दो अलग से, तो आई टू गिव्स राइज टू एच आई ओ थ्री, क्लियर हो गया, ठीक है। आयोडीन पहले कितना चार्ज कंटेन किया था, मतलब कितना ऑक्सीडेशन नंबर था, जीरो, बाद में कितना था प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, पांच इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, पांच इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है, तो पांच इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कितने एटम के लिए, दो एटम है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए टोटल, दस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इधर साइड में तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, किधर साइड ऐड किए तीन इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड, किस साइड ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन देता है, और अगर नहीं समझ में आता तो कॉमन सा लॉजिक लगा के भी कर सकते हो, देखो इधर समझाता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर दूसरा तरीका जाना पड़ेगा, तो चलो दूसरा तरीका भी बता देता हूँ एक बार तुम लोगों को मैं। ये हो गया, चेंज हुआ इतना ऑब्जर्व हो गया, अब तुम उससे पहले बैलेंस कर लो एटम को, सिर्फ उसी एटम को बैलेंस करना जो एटम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। कितना आयोडीन है इधर, इधर कितना आयोडीन है, तो दो से पहले मल्टीप्लाई कर दो, हो गया दो आयोडीन, अब बस अब रुक जाओ, अब सुनो इधर, ये दो आयोडीन हो गया, ठीक है, अब ध्यान देना, ये दो आयोडीन हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे थे यहाँ पर, पांच इलेक्ट्रॉन, और दो के लिए था तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, अब वो दस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इधर कितना चार्ज है, इधर कितना चार्ज आ रहा था अभी, मतलब दो ठोक के लिए कितना हो गया प्लस, प्लस टेन, एक के लिए प्लस फाइव है ना, तो दो के लिए कितना हो गया प्लस, तो वो दस माइनस को किधर ऐड करोगे, इस साइड की इस साइड, प्रोडक्ट साइड, क्योंकि इधर ऑलरेडी प्लस टेन है और इधर क्या है, तो प्लस टेन में कितना ऐड करने से कितना माइनस ऐड करोगे, तो जाके दोनों का वैल्यू कितना आएगा, तो कितना ऐड करोगे, इसलिए दस इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होगा ना कि इधर साइड, ठीक है। और नहीं उससे भी शॉर्टकट जानना है, याद करने लायक चीज़ एकदम आसान से,
ऑक्सीडेशन में हमेशा रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पढ़े पर ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो पैरेलल चला देता हूँ उसको भी। तो यहाँ पर अगर एट कैथोड ले लेता हूँ मैं, क्योंकि कैथोड में क्या होगा तुम्हारा, रिडक्शन होगा। कैथोड में क्या होगा तुम्हारा, रिडक्शन, हाफ सेल। तो चलो कैथोड में कौन आएगा, रिडक्शन मतलब HNO3 गिव्स राइज़ टू, यहाँ पर आके रुका ना NO2 पे। कितना इलेक्ट्रॉन था पहले यहाँ, प्लस 5, यहाँ कितना अगर प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, एक इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ। तो वो एक इलेक्ट्रॉन को किधर जोड़ूंगा, रिएक्टेंट साइड, ठीक है। इसको तुम डायरेक्ट याद रखो, सबसे बेस्ट पड़ेगा तुमको, आसान। ऑक्सीडेशन में इस साइड जोड़ना है और रिएक्टेंट में, सॉरी रिडक्शन में इस साइड, ठीक है। रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड और ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड। क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक है। ये इसको मिटा रहा हूँ ना मैं वाले को। इतने में कोई डाउट है किसी 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 को, इतने में कोई डाउट है किसी को, एक बार देख लो, कुछ भी दिक्कत हो तो। सर यहाँ पर बैलेंस नहीं किए, हाँ नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि NN तो सेम है, इधर भी एक है उधर भी एक किच है, कोई दिक्कत इतने में, पक्का आगे बढ़े फिर, ठीक है। अब क्या करने का अपने को, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने का है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या डालेंगे अपन, पानी। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या डालेंगे अपन, पानी। चलो डाल के अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे अपन। तो हाइड्रोजन क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो हाइड्रोजन का बैलेंस करने के लिए क्या डालेंगे अपन, H+। कितना हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट साइड में, 12। इधर कितना हाइड्रोजन है, तो कम किधर है, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट साइड में, कितना कम है, 10 ठोक। तो इधर 10 ठोक H+ डाल देंगे अपन, बस ये हो गया। चलो अब इस पे आ जाते हैं, इस वाले में कितना ऑक्सीजन है, 3। इस साइड कितना है, 2। तो एक इधर पानी ऐड करेंगे 1 ठोक, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, कितना हाइड्रोजन इधर, 1। इधर कितना हाइड्रोजन है, 2। तो इधर लगेगा H+, चलो ऐड कर दो 1 ठो H+, हो गया बैलेंस। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें टोटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक तो दोनों को बराबर करना, क्या करूंगा, दोनों को बराबर करना, क्या करूं, इस वाले में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे रिएक्शन में अगर मैं into 10 कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, क्योंकि 1 × 10 = 10 होता है, पता है ना, हाँ ठीक, ये भी आएगा देख लो। तो into 10 कर दो तो 10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिला, ये 10H+ प्लस 10 ठो HNO3 प्लस 10 ठो इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज़ टू 10 ठो NO2 प्लस 10 ठो पानी। क्लियर है, इधर क्या क्या मिला, लाइन से लिख रहा हूँ उसको अरेंज करके, ठीक है। उधर इधर भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि इधर ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसको एज इट इज लिख देते हैं अपन। तो क्या क्या है उधर, I2 प्लस 6 ठो पानी, बस और कुछ नहीं है, गिव्स राइज़ टू 2 ठो HIO3 प्लस 10 ठो इलेक्ट्रॉन और प्लस 10 ठो H+, ये हो गया, कोई दिक्कत इतने में, पक्का। अब दोनों को ऐड करना है, ऐड कैसे करते हैं, देखो एरो के अगर आगे पीछे साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कोई चीज सेम होगी तो वो कट जाएगी, ठीक है, समझा नहीं तो समझा नहीं, तो एरो के अगर सेम साइड हुई तो क्या हो जाएगी, क्विट कर दिया मतलब एरो के अगर सेम साइड मतलब अपोजिट साइड में कोई चीज रहा जो कि सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन है एरो के पहले और एरो के बाद भी कहीं पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट। और कुछ है क्या, ऐसे चेक करो तो एक बार, हाँ पानी, ये पानी कितना डोगे, ये 6 ठो गए और ये कितना डोगे, तो कितना बचा, ठीक है। और क्या है, वेरी गुड, H+ 10 ठो के भी निपट गया। और क्या है, एक II भी तो है, नहीं नहीं वेरी गुड, ये I2 है और ये HIO3 है, अलग अलग है दोनों, ये नहीं कटेंगे। और कुछ, बस लिख दे फिर, चलो जो जो बचा है जो जो बचा है उसको लिखेंगे। तो 10 HNO3 प्लस I2 गिव्स राइज़ टू 10 NO2
प्लस 2HiO3 प्लस 4 पानी, बस हो गया। ये तुम्हारा बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब। ये समझ में आया कुछ पहले पढ़ा? ये इस पे मत ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। ये वैसे भी ये वाला वीडियो को नहीं डालेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? तो अभी इस पे ध्यान दो फिलहाल। ये कुछ पल्ले पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं एक बार रिपीट कर दूं तो सुनो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक रिएक्शन दिया रहेगा, मीडियम मेंशन किया रहेगा एसिडिक है कि बेसिक है। इसमें और ऑक्सीडेशन नंबर में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। एक मेजर फर्क क्या है पता है? इसमें हम लोग ना सेल्स को हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग कर देते हैं और रिडक्शन हाफ को अलग, ठीक है? सेपरेट कैसे करते हैं बता चुका हूँ। अरे ऑक्सीडेशन नंबर देख के सेपरेट कर सकते हो ना, सेपरेट कर देना, अलग अलग बैलेंस करना दोनों में पूरा। और उसके बाद फिर क्या करना है तुमको, दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे दोनों क्या कर देना, ऐड कर देना, तो जो फाइनल मिलेगा वही तुम्हारा आंसर है। एक बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन था टोटल? यहाँ पर कितना था पहले? तो 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया पता चल गया? अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए, कुछ भी कर लो इलेक्ट्रॉन खत्म करना, बाकी कुछ भी कितना भी आए। सोचो, इमेजिन करो, जब मैं इसको कर रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा उठाने नहीं लगा, बस 10 बहुत बड़ा नंबर है यार, 10 ठोक HNO3 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट में आया, मतलब आंसर में आया भी है 10 ठोक HNO3, तो ये कोई सीन नहीं कितना नंबर आ रहा है। अगर वो 100 होगा तो 100 से करना, मतलब ये है बस कि इलेक्ट्रॉन जो है बचना नहीं चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल के क्या करना, इसको बैलेंस करना। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इतने में? पक्का? ठीक है,